स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 हिंदी फर्स्ट 15 चैप्टर सेकंड लेक्चर। अब पुस्तकालय के बारे में बताया गया। बेटा, जो स्कूल में पुस्तकालय होता है वो स्कूल की निजी संपत्ति होती है और सभी छात्र छात्राएं, आसपास रहने वाले व्यक्ति उस पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग करते हैं, तो ऐसे पुस्तकालयों को संस्थागत पुस्तकालय कहा जा सकता है और ये उसकी निजी संपत्ति होती है। विभिन्न संस्थाएं भी पुस्तकालय स्थापित करती हैं। पुस्तकालय सार्वजनिक जीवन में जुड़ी पत्र पत्रिकाओं को भी मंगाया जाता है और जिनका अध्ययन वहाँ बैठकर किया जाता है। पुस्तकालय में शांति के साथ बैठकर पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं और उनसे अपनी रुचि के संदर्भ नोट्स लिए जा सकते हैं, और पुस्तकालयों के बिना भेदभाव के कोई भी व्यक्ति जा सकता है। और पुस्तकालयों में सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं बेटा, वो किसी प्रकार की उसमें रोक टोक नहीं होती और वहाँ की गरिमा और शांति को बनाए रखने के लिए वहाँ पर बैठने का पूरा इंतजाम होता है। और पुस्तकालयों से ये भी लाभ होता है कि महंगी से महंगी पुस्तक अगर बच्चे नहीं खरीद सकते हैं तो पुस्तकालय से लेकर पढ़ सकते हैं। और ये इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि किसी भी पुस्तक को नुकसान ना पहुँचाए और उस पर कुछ लिखे नहीं और उसको फाड़े नहीं, उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। और ये पुस्तकालय ज्ञान का संचित कोष होता है और अपने भी अंदर ज्ञान समेटे, और ये राष्ट्र की धरोहर होती है और राष्ट्र इस धरोहर का उपयोग करने वाले इसे सुरक्षित रखने का सभी को अधिकार है। अब आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, आप लोग रीडिंग लगाइएगा और आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा, ये आप लोगों का होमवर्क है। बेटा, पुस्तकों का घर कौन सा होता है, पुस्तकालय में पुस्तकें कैसी रखी जाती हैं, पुस्तकालयों से हमें क्या लाभ है और सार्वजनिक पुस्तकालय से क्या तात्पर्य है, ये रफ कॉपी पे आपको लिखना है। बेटा, फिर नोटबुक पे नहीं लिखना है, रफ पे लिखना है और लर्न करना है। थैंक यू क्लास।